बता देता हूँ ना, ऐसा करता हूँ। पीछे ये तोड़े है ना, ये दोनों ताले तोड़े हैं। उस कठोर थोड़ा ऊपर करके गले में जितने पैसे थे सब लेके चले गए। मेरा पर्स था, वो पर्स ले गए। एटीएम कार्ड थे, एटीएम कार्ड भी ले गए। हाँ, सारे एटीएम थे, चारों एटीएम ले गए। उसमें कैश था करें 50,000 रुपये, 30-35,000 गले में पड़े थे और 20-25,000 पर्स में पड़े थे मेरे। तो कुछ दवाइयाँ थोड़ी बहुत जो ये यहाँ से कुछ दवाइयाँ हैं घर पर काम आने वाली होती हैं दवाइयाँ, वो है कुछ दवाइयाँ वहाँ महंगी वगैरह पड़ी थी। दोनों ताले तोड़ के गए हैं यहाँ पे, और शटर थोड़ा ऊपर मिला। सब जब दुकान जब खोलने आए थे तो देखा शटर के ताले टूटे हुए थे। बाद में हमने थाने फ़ोन किया, शटर खोला तो देखा 20-25,000 गले में रखे तो वहीं पे मेरा पर्स था, उसके अंदर पैसे पड़े थे 25-30,000, वो भी नहीं थे। मेरे ATM कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, आधार कार्ड थे, कुछ और कार्ड थे, वो सारे ले गए। कुछ पेपर थे वो भी ले गए, कुछ चेक थे वो भी ले गए। जो दवाइयाँ भी इतनी महंगी और जो घरेलू काम में आने वाली हो, दवाई भी ले गए हैं सारी। करीबन कितने हज़ार का माल? करीब 50-60,000 तो कैश है मेरा, और कुछ चेक पड़े थे वो ले गए हैं, और कुछ दवाइयाँ 1,00,000 के आसपास का माल। कहाँ पर ले गए? हाँ जी, ATM वगैरह। हाँ, ATM सारे ले गए मेरे। ATM करीब उसके अंदर 4-5 ATM पड़े थे। SBI का, स्टेट बैंक का है, BOI का है, ओरिएंटल का है, 6 ATM। उसके अंदर आधार कार्ड है मेरा, वोटर कार्ड है, सारे ले गए। कहाँ पर है आपकी ये दुकान? ये जी ब्लॉक माकड़ा रोड वैशाली नगर। सर, वो आपका कहना ये भी है कि कुछ ATM कार्ड आपको बाहर भी मिला है? कुछ ATM कार्ड मैंने जब आसपास ढूंढना चाहा कि मेरा पर्स का कि खाली पड़ के फेंक जाते हैं कई बार, तो ढूंढना चाहता हूँ कुछ ATM में दो किसी और के मिले हैं मुझे, किसी और के ATM, क्या पता वो गिर गए यहाँ पे या किसी के रह गए हैं। मैंने ढूंढना तो ना मिले। इसमें कुछ नाम वगैरह है? उसमें नाम कुछ लिखा हुआ है, कुछ कपिल मंत्री कुछ नाम लिखा हुआ है। ये बाहर ढूंढने पर बाहर किसी और के यहाँ से हो सकता है वायरल करके आए, किसी और के कार्ड यहाँ गिर गए या फेंक के चले गए। और ठीक सर, आपका नाम बताओ? मोहन सोनी। ये कोठारियाई हॉस्पिटल के सामने माकड़वाली रोड पर महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर है। यहाँ पर रात को चोरी हुई है और यहाँ पर कैश, उनके ATM कार्ड और मेडिकल से दवाइयाँ भी लेके गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि रात और दिन चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ये कह करके कि जांच कर रहे हैं इस पर लिपापोती कर देते हैं। आप यहाँ की कानून व्यवस्था देख रहे हैं, बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। पता नहीं क्या होगा अजमेर शहर का, मेरी तो समझ से बाहर है। आए दिन डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं। आप ही देखिए, रात को यहाँ की लाइटें नहीं जलती हैं। मेन रोड कहलाता है ये माकड़वाली का, यहाँ से कनेक्टेड है अपना जयपुर रोड। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले एक गुर्जर परिवार पर भी एक धमाका हुआ था। उनके परिवार को जो क्षति हुई है आप देख रहे हैं, पूरी पास की घर की दीवारें तक गिर गई थी। आज तक उसका सुराग नहीं मिल पाया है कि वो धमाके किसने किए थे, कहाँ से हुए थे। इसी तरह अगर लिपापोती चलती रही तो ये जो है अंधेरी नगरी चलती रहेगी और यहाँ की पब्लिक परेशान होती रहेगी। क्या मानते हैं कि पुलिस की कोई गश्त वगैरह? पुलिस की गश्त होती भी है तो चोर इतने पक्के हो चुके हैं कि उनको पता है कब गश्त लगती है कब नहीं लगती है, और जब गश्त नहीं लगती है तभी ये लोग काम लगा देते हैं। ठीक है, आपका नाम? सबा खान महिला।